चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर चेक कर गबरू दी बोली चेक कर जिथे करे देने जड़े रीस चेक कर इनानू मारेगी है जेलसी चेक कर दा प्यार चारों पासे किन्ने मुंडा पड़ा तर बत्तरां दी बिलो सर बत्तरां दी बिलो सर पानी चेक कर मैं कह बत्तरां दी बिलो। अभी सारा सारा काम बचा है, सब चेंज होना है। ये शीशे सारे सिल्वर हो जाएंगे, वॉलपेपर चेंज हो चुका है, ये ऊपर का है, वहाँ पे सामने वो जो छोटू सा पीछे है ना वो मेरा पर्सनल कैबिन है, और ये काउंटर है ये भी चेंज हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक इतना एक महीने से क्या चल रहा था, कि 3 महीने चल रही थी व्लॉग्स में क्यों ऐसे बीच बीच में गायब हो जाती थी, यहाँ पर क्या होता था काम था। जैसे कि सबको पता है 15th को मेरा कितना बड़ा इवेंट है, और उससे एक दिन पहले मैं बीमार पड़ चुकी डॉक्टर हक के पास। आपको वैसे पता है मैं किसी भी बड़े हॉस्पिटल नहीं जाती अगर मैं बीमार पड़ती हूँ किसी भी, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है यहीं की एक खुराक ले लूँ मैं और मैं ठीक हो जाऊँगी। अभी भी मैं मम्मी को यही बोल के आई, मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं बस भाई डॉक्टर हक के पास जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। हो जाऊँगी ना मैं कल तक, तो सही रहूँगी थोड़ी सी अगर। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी कल तक आप दोनों चलो वही आगे। चलो आपको दिखाऊं पहले। हेलो कैसा लग रहा है? ओह इमोशनल। अरे यार भाई बहुत ही बढ़िया कीर्ति, कांग्रेचुलेशंस। प्राउड मोमेंट है ये तो आंटी यार एकदम। So we are back in Kirti Saloon Hair Palace by London X Kirti Mehra। तो भाई हम यहाँ पे मजे कर रहे हैं, पब्लिक आ चुकी है बहुत ज़्यादा बाहर और वो हमारा वेट कर रही है सबका, तो वेट करते करते हम तो पहले आ गए, हम सबसे पहले आए हैं, सबसे पहले हम आए हैं, जो कि सबसे लेट आते हैं वो सबसे पहले आ चुके हैं। बताएं यार मेरे को भाई, मेरे को ना ये जल्दी आने में गिल्ट ट्रिप फील हो रही है कि ये कितना गलत काम कर दिया भाई जल्दी आ गए। तो भाई हम तो 6 बजे बोला था, एग्जैक्ट 6 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, तो अब ऐसा लग रहा है ओ ले बेटे दो बेटे, चेकिंग चल रही है पहले ही। तो भाई ये देखो दिस इज आवर सैलून, आप देख सकते हो गुब्बारे वुब्बारों का फुल इंतजाम कर रखा है बंदों ने। और गाइस तो सबका वेट करते हैं अब, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या माहौल हमारा तैयार होता है। जो मैं पहला सी वही आज मैं।
जा बैठा तीरा रे हिट मारा बेजाल है गली तेरी आती रे थोड़ा फिट चाबी गया मैं थोड़ा यार बाती रे डिफॉल्ट रा मैं नाम गैल फोज मेरा ठाटी रे दो चार तो सबसे ज्यादा दो महीने के अंदर दो महीने का है मुझे लग रहा है YouTube छोड़ के मुझे बिजनेस लाना पड़ेगा चाचा सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई मैं खाने पे फोकस अरे खाने पे तो मैं देख बोलने के नाम पे तो भाग गया गाइस जैसे कि वो रिकॉर्ड किया था जलने वाला किया था तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जल चुकी हूँ पूरी यहाँ से वहाँ तक इसीलिए मैं किसी के भी इंटरव्यू नहीं लूंगी इसीलिए इसका काम मैं दे रही हूँ इमरान को टॉयलेट में खाना खा रहे हैं यार इधर आओ ठीक है तो इमरान जो है सबसे प्लीज जाके रिव्यू ले लो ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ थैंक यू क्या मैं आपको रिव्यू कहने के मैं आप सबसे जाके प्लीज रिव्यू ले लो इमरान को मैं ये क्या सौंपती हूँ गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के और बहुत लोग हैं यहाँ पे मैं बहुत धीरे बोलते तो एकदम माइक मुंह में घुसा के बात कर रही हूँ इतना लग्जूरियस जो पूरा सलवाएँ केटे का जल्दी से यहाँ पे आ जाओ अभी तक नहीं आया तो क्यों वेट कर रहे हो और ये वीडियो तो शायद बाद में डलेगी तो तब तक तो आ जाना मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा ना क्योंकि यहाँ से नहीं कराया तो अपना आके करा लेना ठीक है भाई मैंने तो ना अभी तक पूरा स्टोर देखा भी नहीं है मैं तो सोच रहा हूँ मैं आप सबको ना पूरा स्टोर दिखा दूँ क्या कहते हो मैं ही बना दूँ उसकी वीडियो कीर्ति मेरे को स्टोर तो दिखा देती यार अभी बेचारी ने ब्लॉग बास्टर सॉरी सर मुझे बताओ ना मुझे तो दिखा तो कुछ है क्या ये मेन सेक्शन है अच्छा ये हमने लग कैसा रहा है तेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है जेनुइन लग रहा है जेनुइन मजाक सट के बहुत बढ़िया लग रहा है बस मेरे को थोड़ा सा हाँ भाई वो बुला रही है अच्छा ये स्पॉन्सर भी तो करती है ना हाँ। सही है भाई अब ये हो गया इसका किसी और का है ना ये देखो लो भाई ऐसी हरकत मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मजाक से के बताना नहीं सच में अच्छा लगा पूरा देखा आपने मैंने ग्राउंड फ्लोर पूरा देख लिया देखिए हाँ ऊपर भी है क्या अच्छा तो वो देख लिया मैंने पूरा बस हो गया इंटरव्यू और कुछ क्वेश्चन है बेस्ट विशेस देते हैं यार मैक्सटन अच्छा हाँ कांग्रेचुलेशंस वेरी एक्चुअली मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ ना क्या हो गया चलते हैं ना कुछ लोग हमारी हंसी से अज्जू भाई चलते हैं कसम से तो गाइस मेरे को तो मजा आया मुझे कुछ पूछो तो सही मुझे कैसा लगा आपको भाई देखो जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था तो इसका इंटीरियर कुछ और था एंड अब देख रहा हूँ तो भाई बहुत चेंज हो गया है और बहुत ज्यादा खुशी है सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब छोड़ के बिजनेस में आ रहे हैं यूट्यूब छोड़ के नहीं अरे मतलब यूट्यूब के साथ साथ ही ना बट यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रहा कोई भी एक बार इधर कर रहा भाई कैमरा एक बार करो अपना नहीं देख रहा दूसरे के बीच में बहुत बोल रहा है जय बूढ़ा भाई एडिटिंग में काट देना तो भाई मैं एक चीज बोलूंगा कि आगे जाके अकेला कंटेंट क्रिएटर मैं ही बन जाऊंगा तो मैं ही कंटेंट बनाऊंगा फिर मैं ही डाले करूंगा तो ये सारे बिजनेस बिजी हो जाएंगे तो समझ रहे तुम आने वाला टाइम तेरे भाई का बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन कीर्ति को जलेगी बेचारी मतलब दूसरों की नजरों से भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू कीर्ति यार बहुत अच्छा एंड अरेंजमेंट बहुत अच्छा था मतलब स्टार्टिंग में देख के ना मैं जब एक बार रोड से गया ना इतना अच्छा लग रहा था ना, हाँ, हम तो जान थे ना। देख देख रहे लाइटिंग बहुत अच्छी थी एंड एवरीथिंग फूड वॉज अमेजिंग बहुत लोगों का सपोर्ट था यार तो थैंक यू एवरीवन हु केम एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने जिनसे भी हम मिल पाए या जिनसे नहीं भी मिल पाए उनका भी शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू कीर्ति कंटिन्यू करना चाहूँगा देखो ये तो हो गई फालतू की बात है ना अब ये है कि अगर तुम्हें बाल कटवाने हैं तो मैं मूछे लड़कियों को भी जो मूछे कटवाने कुछ भी करवाना है रिबॉन्डिंग तरीका सारी चीज़ क्या क्या होगा भाई और क्या आइटम होते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग नाखून कटवाने हैं नाखून हाँ सब कुछ सारी चीज़ें सारे सारे वो लिए ऑर्डर लिए जाते हैं ठीक है सारी सर्विसेज रहेंगी अब तुम चाहे मुंबई में मैं कह रहा हूँ तुम चाहे मुंबई में रहते हो तुम बाल कटवाने यहीं आओगे दिल्ली ये है मेन चीज है ना कीर्ति देगी ना स्पॉन्सर फ्लाइट टिकट सब हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं इनका जो पेज है उसको फॉलो कर लेना वहां तुम्हें सारी खबर मिलती रहेगी एक से एक ऑफर
एकदम से बोलोगे तो बता दो द हेयर पैलेस सैलून अशोक विहार द हेयर पैलेस लंदन सैलून लग्जरी सैलून कीर्ति मेहरा और वो अशोक विहार अशोक विहार अशोक विहार गाइस सबको आना है हेयर पैलेस अशोक विहार और सारी पैम्परिंग सेशन करा के जाना है बीट अ गर्ल बीट अ बॉय आंटी अंकल बच्चे सबको आना है वेरी वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कीर्ति हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उसके लिए कि उसने ये सलून ओपन किया है सो अब हमारी सारी चीज़ें फ्री में हो जाया करेंगी आई होप सो हमें चाहिए यही तो हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि हमें सारी चीज़ें फ्री में मिली जाएँ ये तो चलो जोक्स अपार्ट बट प्लीज गाइज देख रहे हो लोग कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें हमारे दिल की बात नहीं बोलने दे रहे लोग कि गाइज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अच्छी बात है कि उसने इतनी जल्दी और इतनी मेहनत करके यहाँ ये किया तो आप लोग प्लीज़ एक बारी विजिट करें आई लव यू गाइज तो कीर्ति मैंने अभी ना पूरा आपका सेलो देख लिया और बहना वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड भाई दिस इज़ वॉट एन इंडिपेंडेंट वुमेन लुक्स लाइक वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन यार तूने बिजनेस में कदम डाला है लक्ष्मी है तू भाई बहुत तरक्की पाएगी बहुत पैसा कमाएगी एंड मेक श्योर अगले 2-3 साल में ऐसे काफ़ी सारे सैलो खोल ले गुड़गांव अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस फ्रेंचाइजी खोल हम भी आए थोड़ा हम भी आपका नाम लेके लुफ्त उठाएं कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू तो लॉर्ड आपको कैसा लग रहा है आपकी आपकी बहन ने इतना अच्छा काम अच्छा ये सारा कुछ मैंने करा है सब अपनी रात भर की मेहनत से तो बता रहा तूने कितनी मेहनत करी है पूरी कल रात को भी 4 बजे गया था उससे पहले भी 4 बजे गया था आज सुबह भी आया हूँ ऑफिस का और बेचारे की तबीयत भी इतनी खराब थी बुखार में वॉलपेपर सिलेक्ट करा शीशे सिलेक्ट करे सब कुछ करा है गाइस जो भी आपको दिख रहा है इधर इसने सब कुछ खुद ही करा है बुखार में बुखार में बहुत गंदे बुखार में खांसी में ये झूमर की एक एक कड़ी कट दिखाओ ये झूमर का एक एक झूमर का कट जोड़ के बनाया है पाई से बनाया है लॉर्ड ने और गुब्बारे भी तूने लगाए नहीं गुब्बारे लगवाए हैं गुब्बारे भी लगाए आपने खाना खाया मैम आपने खाया हमने तो खाया आपने खाया मैंने खाया हो रहा है मतलब किसका ये ब्लॉग कीर्ति का हाँ बताओ ये ऐड हो जाएगा काट देना एडिटर कुछ दे रही हो आपको मिलेगा ना रुक जाओ पहले बाहर मैं निकाल के नीचे सेम नहीं हुआ मेरा वाला ले जाओगे चाहत क्या क्या मिला बहुत सारा सामान मिला है और ये रहा शैम्पू और ये रहे गिफ्ट हैंपर्स बहुत सारी चीजें घर वाले को तब मिलेगा जब बच जाएगा आप कंजर ये देख के ये बड़ी गला छोटे में बच गई गाइस मिल गए चलो अब इतनी तारीफ लोग करेंगे चलो चलो अज्जू भाई कुछ बोलना चाहोगे भाई थैंक यू सो मच कीर्ति मनीष भाई हैम्पर भट ड्राइवरी का तुम जितना भी बोल लो जिन सीन्स में कीर्ति नहीं दिख रही वो सब कट हो जाएंगे कोई फायदा नहीं है एडिटिंग पे वही क्लिप्स लगेगी जिनमें कीर्ति है तो कोई फायदा नहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करने का गाइस कोई फायदा है लो भाई तुम करो एनर्जी वेस्ट लगेगा भाई लगेगा ये तो लगेगा थैंक यू सो मच सबका यहाँ पे आने के लिए सबके आपको दिख गए होंगे रिव्यूज एंड ऑल्सो डू लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब टू कीर्ति मेहरा और अगर आपको सलों की इनॉग्रेशन पसंद आई हो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे मिलूंगी और मैं मिली भी हूँ बाहर सबके पास गई हूँ गाड़ी से निकली हूँ सबके साथ फोटो खिंचवाई है मैं पूरी जल चुकी हूँ क्योंकि वो जो हीलियम बलून था वो एकदम से फट गया और वो मेरे ऊपर आ गया था जलावा ये सब होता रहता हो सकता है बड़ी वाला छोटे में टल गई हो तो सबका थैंक यू सो मच और जितने भी लड़के हैं जितने भी लड़कियाँ हैं अगर कोई भी किसी भी सर्विसेज के लिए सलून ढूंढ रहा है चाहे वो बालों की हो चाहे वो स्किन की हो चाहे वो मेकअप हो चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे वो ये क्या कहते हैं बोटॉक्स हो
या फिर बालों के एक्सटेंशन हो, नेल हो, कुछ भी हो, मेरे सलों में आना। द हेयर पैलेस लंदन लग्जरी सलों, कीर्ति मेहरा, अशोक विहार, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरा बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए क्या बोलूँ, तब तक के लिए बने रहिए संवाददाता कीर्ति के साथ। एंड डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई लव यू सो मच गाइज। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा फर्स्ट मीटअप जहाँ पे लोग आ रहे हैं मेरे कहने पे, वो इतना अच्छा जाएगा। जेन्युइनली मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं डर रही थी क्योंकि ऐसा था 15 मिनट पहले मैंने अपडेट पूछा कि क्या है, कितने लोग आए हैं, थे ही नहीं, कम तो क्या 10 बंदे नहीं थे। और मैंने ऐसे वहाँ पे दूसरी जगह पे बैठी हुई, मैं सोच रही, डर रही मैं कि यार आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो गया, मतलब 44,000 लोगों ने बोला था कि आएंगे और कोई नहीं आया। फिर जैसे ही टाइम हुआ 6 बजे, जैसे ही यहाँ पे पूरी भीड़ लग चुकी थी। और अगर किसी को भी कुछ चोट लगी हो या फिर किसी को भी धक्का मुक्की हुई हो या फिर गार्ड्स ने कुछ बोला हो किसी को, कुछ भी ऐसा हुआ हो तो मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं खुद आके सबसे मिली थी। उसकी क्लिप्स हैं आपके पास, प्लीज़ वो भी देख ली होंगी आपने इस पिछले ब्लॉग में और इसी ब्लॉग में। हाँ सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है एंड आप लोगों ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया यहाँ पे आके। बस अब हमारे सब्सक्राइबर 6 लाख होने वाले हैं, वो भी जल्दी कर देना। तब तक के लिए मैं इस वीडियो के लिए बाय कह रही हूँ। बाय गाइस एंड आई लव यू सो मच। एंड लास्ट में मैं यही बोलूंगी, नजर ना लगे तुम लोगों को। बाय।